Yes. So now today we are going to start binary files. So what is a binary files? Already the introduction is given everybody, है ना? But एक बार शॉर्ट में मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, बाइनरी फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ बाइट्स विच आर डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, दैट इज द बाइनरी फाइल एवरीबॉडी. ओके. और मैं आपको एग्जांपल में बता दूं कि जैसे कि इमेज फाइल्स हो गया, है ना? अगर आप इमेज फाइल को, कोई भी पिक्चर को अगर उसको नोटपैड में ओपन करके देखोगे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ, ठीक है ना? मतलब किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देखो तो समझ में नहीं आएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना? ये होता है बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल्स आर डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. या फिर कोई भी ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो फाइल्स हो गया, ये सारा एग्जाम्पल है बाइनरी फाइल्स का, ठीक है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, जिसका एक्सटेंशन .mp4 होता है, .avi या .mkb, या इसके अलावा भी कुछ भी होते हैं, वो सारे का सारा ही बाइनरी फाइल होता है, ठीक है? ऑल आर बाइनरी फाइल एवरीवन. बाइनरी फाइल का अगर बात करें फायदे का, तो फायदा ये होता है बाइनरी फाइल का कि ये क्योंकि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत बेटर है. सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन का कोई जरूरत नहीं है, है ना? तो ये इसके फायदे हैं. अब देखो, बाइनरी फाइल्स के बारे में मैंने कुछ और पॉइंट्स लिख करके रखा है जो कि आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा. सबसे पहला है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी. तो ये बार बार मैं इसका डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, ये आप प्रोग्रामिंग में ये कुछ हेल्प नहीं करने वाला, बट एमसीक्यू में जरूर ये हेल्प करेगा आपको. सेकेंड पॉइंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी, देयर इज नो डेलिमिटर फॉर अ लाइन. एवरीबडी इन टेक्स्ट फाइल वी हैव डेलिमिटर, है ना? लाइन कैसे एंड होता था, तो यूएल कैरेक्टर्स, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से हर लाइन टर्मिनेट होता है, ठीक है ना? ऐसा कुछ था हमारे पास टेक्स्ट फाइल में, हमने पढ़ा था. यहाँ पे कोई डेलिमिटर नहीं होता, ठीक है ना? कोई डेलिमिटर नहीं होता, देयर इज नो डेलिमिटर फॉर अ लाइन, है ना? किसी भी लाइन के लिए कोई डेलिमिटर नहीं होता यहाँ पे. नो ट्रांसलेशन आर रिक्वायर्ड एंड इट इज मोर सिक्योर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड. ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है बाइनरी फाइल हमारा, ठीक है? अब डायरेक्टली हम लोग एंट्री करेंगे पिकलिंग में, कि भैया पिकलिंग होता क्या है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में. अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, तो डेफिनेशन, छोटा मोटा डेफिनेशन में इसको डाला जाता है, पूछा जाता है. अदरवाइज एमसीक्यू में भी जरूर पूछा जाएगा कि पिकलिंग क्या होता है ना? तो ये आप ऑलरेडी पिकलिंग एक तरीके से जान रहे हो, लेकिन डेफिनेशन में एक स्टेटमेंट दे देगा, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि एमसीक्यू में क्या टिक करे. तो इसलिए इसका डेफिनेशन बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पाइथन ऑब्जेक्ट्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पाइथन ऑब्जेक्ट्स, पाइथन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो बाइट स्ट्रीम. बाइट स्ट्रीम मतलब बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, जस्ट बिफोर राइटिंग टू द फाइल इज कॉल्ड पिकलिंग. यही चीज कहलाता है पिकलिंग, ओके? और पाइथन ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे भाई? तो जो हमारा लिस्ट है, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सारे के सारे चीजों को हम लोग पाइथन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पाइथन ऑब्जेक्ट्स इंटू अ बाइट स्ट्रीम जस्ट बिफोर राइटिंग टू द फाइल इज कॉल्ड पिकलिंग. अब हम लोग, क्योंकि हम लोग को थोड़ी बाइनरी का मतलब पता है, हम लोग 0 और 1 में थोड़ी कोडिंग करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हम लोग तो अपना बस प्रोग्राम करेंगे. हम लोग लिस्ट यूज करेंगे, टपल यूज करेंगे, डिक्शनरी यूज करेंगे, जो हमने डेटा टाइप पढ़ा उसको यूज करेंगे हम लोग, है ना? हम लोग बस पाइथन को ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. लेकिन आप बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो, फाइल में आप चाहते हो कि बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो, है ना? तो होता क्या है, हमारा जो पाइथन ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइट स्ट्रीम में, है ना? तब जाकर के वो फाइल में राइट होता है, तब जाकर के वो फाइल में स्टोर होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं पिकलिंग. एक बार शॉर्ट में फिर से डेफिनेशन को रिपीट करता हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पाइथन ऑब्जेक्ट, है ना? पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना इंटू अ बाइट स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, जस्ट बिफोर राइटिंग टू द फाइल, फाइल में लिखने से पहले, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग, है ना? इसका दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे बस ऐसे ही एग्जाम्पल बताया गया कि आपका पाइथन ऑब्जेक्ट को तो हम लोग कन्वर्ट कर देते बाइट स्ट्रीम में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिकलिंग एंड नथिंग एल्स एवरीबॉडी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखो बेटा, पिकलिंग के अंदर आपको कुछ पिकलिंग टॉपिक के अंदर ही आपको एक मिलता है, क्या मेथड मिलता है, ठीक है? और उसका नाम है डंप मेथड, ठीक है? और ये डंप मेथड होता है हमारे पिकल मॉड्यूल के अंदर.
आप लोग जरूर जानते हो कि पिकल मॉड्यूल के अंदर ये डंप मेथड होता है, ठीक है ना। तो अब ये डंप मेथड का काम क्या होता है, सो मैं बता दूं, डंप मेथड्स कैन बी यूज टू परफॉर्म पिकलिंग ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल। पिकलिंग ऑपरेशन डंप मेथड के थ्रू ही होता है ना, यानी डंप से इनडायरेक्टली आप कह सकते हो क्या कि आप राइटिंग का काम करोगे फाइल में, और फाइल में कैसे लिखोगे, आप अपना जो ऑब्जेक्ट है पाइथन का, जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट है टपल है या डिक्शनरी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको पहले कन्वर्ट करोगे बाइट स्ट्रीम में, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और तब जाकर के डंप कर दोगे। डंप मतलब राइट कर दोगे, लिख दोगे, यही चीज तो कहलाता है पिकलिंग। सो डंप मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म पिकलिंग ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल्स। डंप मेथड बिलोंग्स टू पिकल मॉड्यूल। डंप मेथड किससे बिलोंग करता, पिकल मॉड्यूल से, यानी कि डंप मेथड को यूज करने के लिए पिकल मॉड्यूल का यूज करना बहुत जरूरी है ना। सो डंप मेथड बिलोंग्स टू पिकल मॉड्यूल। इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी मोड। इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी मोड। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करता है किस फॉर्मेट में, बाइनरी मोड में रिप्रेजेंट करता है ना, और तब जाकर के फाइल में राइट होता है। तो कुछ खास नहीं इस स्लाइड में है, आप नोट्स पर के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पिकल मॉड्यूल के अंदर डंप मेथड होता है जो कि राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है बाइनरी फाइल। आगे बढ़ते हैं, इसका सिंटैक्स बड़ा आसान है, आपको बस लिख लेना है क्या यार, इंपोर्ट पिकल, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद हम लोग मेथड को कैसे कॉल करते यू नो वेरी वेल। तो हम लोग मॉड्यूल का नाम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट डंप, और पैरेंथिसिस के अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब लिस्ट हो टपल हो डिक्शनरी हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, कॉमा करके फिर फाइल का है ना, फाइल हैंडलर का नाम यहाँ आएगा, फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ फाइल हैंडलर का नेम देंगे जिस फाइल में आपको राइटिंग करना है, ठीक है। डंप मेथड इज यूज टू राइट द डेटा, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, ठीक है। डंप मेथड इज यूज टू राइट द डेटा, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैंने यहाँ पे एक डंप ऑपरेशन को परफॉर्म करके भी दिखाया है, एग्जांपल में देख लीजिए इसको, फिर प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो आप कैसे इंपोर्ट पिकल किया गया है, और फिर एक डेफ राज नाम का फंक्शन मैंने बनाया, और ये जो है लिस्ट है, एफ इज इक्वल टू ओपन, सॉरी एफ इज इक्वल टू, मैंने सबसे पहले फाइल को ओपन किया एबीसी डॉट डैट, है ना। तो जनरली आप क्या मुझे बता सकते हो कि बाइनरी फाइल का जनरली क्या एक्सटेंशन होता है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल, है ना, बाइनरी फाइल के क्या एक्सटेंशन होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल? ओके जस्ट अ सेकंड, या क्लास कौन लेफ्ट किया भाई, पता नहीं चल रहा। ओके चलो सभी अब है तो देख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। आदर्श, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड। बिन डॉट डैट, कबीर, कबीर आप तो क्या बोलते हैं, सब भूल जा रहे हो बेटा, है ना। मैंने आपको बताया था अच्छे से याद करो, आप लोग को सबको बताया, अच्छा नहीं बताया था, यहाँ तो पहुंचे ही कहा। ये बाइनरी फाइल का जो होता है एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जनरली इट इज डॉट डैट, डैट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप यहाँ पे एक्सटेंशन में अपना नेम भी रख सकते हो, है ना, कुछ भी हो सकता है इसका एक्सटेंशन, एनीथिंग। बट इसका जो एक्सटेंशन होगा, सॉरी एक्सेस जो मोड होगा, वो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर राइटिंग पर्पज के लिए आप एक्सेस करना चाहते हो तो डब्ल्यू बी लिखना पड़ेगा, बी फॉर बाइनरी। टेक्स्ट में हम लोग सिर्फ डब्ल्यू लिखते थे, यहाँ डब्ल्यू बी आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने इनिशियलाइज किया, ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दैट, और फिर पिकल डॉट डम्प, और यहाँ पे मैंने एफ फाइल हैंडल, ये है फाइल हैंडल, क्या होता है लिंक होता है मेरा फाइल के साथ, तो उस फाइल में ये क्या करेगा, राइट कर देगा, और फिर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, फाइल हमारा क्लोज हो चुका है, और फिर हमने राज फंक्शन को कॉल कर दिया। एक मिनट इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वर्क करता भी है या नहीं अच्छे से, तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे। और हियर इज माई पाइथन आइडियल एवरीबडी, है ना, तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को दिखाते हैं प्रैक्टिकल में, चलो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट मोड में मैं आ चुका हूं, अभी तक कुछ नहीं किया, स्क्रिप्ट मोड में आया, ये पाइथन आइडियली हमारा, यहाँ मैंने स्क्रिप्ट मोड में आया और हमने लिखा डेफ, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने डेफ राज कर दिया मैंने, ठीक
ठीक है। और फाइल हैंडलर का नाम मैंने एफ ही रखा है, एफ ओपन, और मैं इसे क्या कर दूं, एफ ओपन। फाइल का नाम हम लोग क्या कर लेते हैं, एबीसी ही रखते हैं, एबीसी डॉट, एबीसी डॉट मान लो कि कर देते हैं क्या, सुमित कर देते हैं, ठीक है। और कॉमा करके मैंने कर दिया डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी मतलब राइटिंग पर्पज के लिए इसको ओपन कर। तो एफ इज इक्वल टू ओपन एबीसी डॉट सुमित। याद रखें ये हमारा क्या है, ये केवल बाइनरी फाइल के लिए एप्लीकेबल है ऐसा एक्सटेंशन है ना, और किसी भी ना ही आप सीएसवी फाइल में और ना ही टेक्स्ट फाइल में आप ऐसा एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द एवरीबॉडी बाइनरी फाइल, और यहाँ पे राइटिंग मोड के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ, राइटिंग पर्पज के लिए मैं ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ या ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू लिखा गया है, और इसके बाद बी एज अ सफिक्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम लोग कौन से फाइल में काम करने जा रहे हैं, बाइनरी फाइल में काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी भी अटैच किया गया है। दिस इज द डब्ल्यू बी राइट इन बाइनरी फाइल, ओके, राइट इन बाइनरी फाइल, ठीक है। तो फाइल तो भैया ओपन हो गया, लेकिन आपको एक क्या इंपोर्ट करता है करना पड़ता है, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो मॉड्यूल का नाम है पिकल। इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है, अगर बी नहीं लिखे तो वर्क नहीं करेगा। हाँ बी नहीं लिखोगे तो फिर कैसे वर्क करेगा, आपको बाइनरी फाइल में काम करना है ना, है ना। तो बाइनरी फाइल के लिए तो बी लिखना जरूरी है, फिर वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगा बेटा, वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगा, और टेक्स्ट फाइल में वैसा एक्सटेंशन नहीं हो, फिर एक्सटेंशन आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को इंपोर्ट पिकल करना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना इंपोर्ट पिकल कर ले, तब तो हम लोग डंप मेथड परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए हम लोग यहां पे करते हैं इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट पी आई सी के एल ई, सारा स्मॉल में जाएगा। इंपोर्ट पिकल मैंने कर लिया है, अब सिंपली एक मैं लिस्ट ले रहा हूं, सिंपली बस मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं कुछ भी। चलो इस लिस्ट को स्ट्रिंग लिस्ट बनाते हैं, हम स्ट्रिंग लिस्ट बनाते हैं, डायरेक्ट यूज करिए, चलो डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करने का बात किया जा रहा है तो डायरेक्ट यूज करते हैं। अब हम लोग डंप करेंगे पिकल पी आई सी के एल ई, पिकल डॉट डी यू एम पी डंप, पिकल डॉट डंप, और यहीं पे डायरेक्ट यूज करने का बात किया गया है तो क्यों ना यहीं पे हम लोग डायरेक्ट यूज करें। और यहां पे मैं लिखूंगा सुमित कॉमा, यहां पे मैंने लिख दिया कबीर कॉमा, और यहां पे मैंने लिख दिया मान लो संजना कॉमा, यहां पे मैंने लिख दिया कबीर, अच्छा हो चुका है हाँ, तो ऐसा करते हैं रिया कर देते हैं कॉमा, वैसा भी कर देते हैं, और ये हमारा बन चुका है लिस्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पिकल डॉट डंप, सीधा का सीधा ये सारा चीज मैं डंप करने वाला हूँ फाइल में, पिकल डॉट डंप। अब यहाँ पे एक चीज और आएगा, क्या आएगा सो मुझे बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक और आर्गुमेंट आएगा, और वो क्या आएगा, सिंटैक्स याद करो क्या आएगा, कॉमा करके कुछ और भी देंगे, देख लो स्लाइड यहाँ पे है आपका, तो यस एफ, वेरी गुड, ओके। तो कॉमा करके आपको एफ भी लगाना है, फाइल हैंडलर का नेम देना ना भूले, फाइल हैंडलर का नेम देना ना भूले, तो यहाँ पे कॉमा करके हम लोग कर देंगे एफ, है ना। आखिर आप कहाँ डंप करोगे, फाइल में डंप करोगे ना, तो मैंने एफ कर दिया, ये फाइल हैंडलर है जिसका लिंक है फाइल के साथ, है ना। तो फाइल हैंडलर ही क्या करता, फाइल हैंडलर, फाइल जो जो मेरा फाइल हैंडलर होता, जो फाइल पॉइंटर होता, यही क्या करता, राइटिंग और रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कॉमा करके एफ लगा दिया, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं दिख रहा, सब चीज ओके ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, अब डॉट क्लोज, फाइल हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। अब राज, इसको मैं कॉल भी कर दूंगा, राज फंक्शन को मैं कॉल भी कर दूंगा, और ऑफकोर्स इसे सेव तो करना जरूरी है, तो चलो सेव कर लेते हैं। फाइल हैंडलर लिस्ट के पहले भी चलता है, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं लिस्ट के पहले नहीं चलेगा, उसका सिंटैक्स ही वही है, फाइल हैंडलर बाद में आएगा, पाइथन ऑब्जेक्ट के बाद आएगा फाइल हैंडलर, है ना, पाइथन ऑब्जेक्ट के बाद आएगा फाइल हैंडलर। तो 12th नाम के फोल्डर में हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, कहाँ सेव कर ले, डायरेक्टली यहीं पे सेव कर ले, चलो इसको 19 नेम से मैं सेव कर ले रहा हूँ, है ना। चलिए रन करते हैं हम लोग इसको और देखते हैं क्या होता है। एवरीबडी इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये बहुत बढ़िया से हमारा रन किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आपको अगर अपने प्रोग्राम से इसको रीड करना है तो रीड तो करना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग भी बता देते हैं, उसके बाद फाइल को हम सारा ओपन करके दिखाएंगे। थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट है आज, है ना। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आता हूं मैं नेक्स्ट। ये राइटिंग का काम कर चुके हैं, दिखाएंगे कैसे फाइल में राइट होता है, और बट उससे पहले रीडिंग वाला पढ़ लेते हैं, है ना। शॉर्टकट थोड़ा मारेंगे हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और ध्यान देखेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वो था पिकलिंग, और इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अनपिकलिंग। एवरीबडी अब अनपिकलिंग क्या होता है तो हम लोग समझ लेते हैं। एवरीबडी इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ पिकलिंग। पिकलिंग का ये रिवर्स ऑपरेशन है। इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ पिकलिंग, द कन्वर्सन ऑफ बाइट स्ट्रीम टू द पाइथन ऑब्जेक्ट। द कन्वर्सन ऑफ बाइट स्ट्रीम, आप बाइट स्ट्रीम को आप पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड अनपिकलिंग ऑफ एवरीबडी, दैट इज कॉल्ड अनपिकलिंग। तो अनपिकलिंग क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, बाइट स्ट्रीम को, बाइट मतलब बाइनरी कोड को, बाइनरी कोड को आप पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज द अनपिकलिंग। सो इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ पिकलिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, बाइट स्ट्रीम हमारा कन्वर्ट हो अगर पाइथन ऑब्जेक्ट में तो ये कहलाता है अनपिकलिंग। डेफिनेशन में आए, एमसीक्यू में आए तो जरूर ये लिखोगे। अब देखो पिकल मॉड्यूल के अंदर मेरे पास एक और मेथड होता है, ठीक है। एक तो डंप के बारे में बता दिए, एक और मेथड होता है जिसका नाम है लोड मेथड, LOAD लोड मेथड, ठीक है। ये मेथड होता है किस पर्पज के लिए यूज, अनपिकलिंग पर्पज के लिए यूज होता है कि भैया बाइट स्ट्रीम को आप पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, है ना। अब हमने बाइनरी फॉर्मेट में फाइल में तो लिख दिया, बाइनरी कोड में फाइल में हमने लिख दिया, लेकिन अब बाइनरी कोड हमको कहां समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू उसको रीड करना चाहते हैं तो होगा क्या, वो बाइट स्ट्रीम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पाइथन ऑब्जेक्ट में, है ना, लिस्ट में, टपल में, जो कि हम समझ सकते हैं, तो फिर हम समझ लेंगे, है ना। तो वैसे पर्पज में हम लोग लोड मेथड का यूज लेते हैं जो कि पिकलिंग के अंदर आता है, सॉरी पिकल मॉड्यूल के अंदर होता है। तो दिस मेथड ऑल्सो बिलोंग्स टू पिकल मॉड्यूल। लोड मेथड इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल और फाइल ऑब्जेक्ट। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट या बाइनरी फाइल से आपको डेटा रीड कराने में मदद करता है। लोड मेथड इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल और फाइल ऑब्जेक्ट। दिस इज द अनपिकलिंग एवरीबडी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, इसका सिंटैक्स भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटैक्स वही है। इम्पोर्ट पिकल, पिकल डॉट लोड करेंगे और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, है ना, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, और कॉमा करके यहाँ पे फाइल हैंडलर का भी नेम लिखना है जो कि शायद मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको भी आपको करना होगा। लोड इज यूज टू रीड द डेटा, लोड इज यूज टू रीड द डेटा एवरीबडी, है ना। और आगे बढ़े, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, वो ठीक ठाक था हमारा, एक मिनट रुक जाएगा, ये तो हम लोग लोड में वैसा नहीं करते, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। लोड में बस फाइल ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, ठीक है, क्योंकि फाइल ऑब्जेक्ट में राइटिंग ऑलरेडी रिटर्न है, तो रिटर्न है तो बस उसको तो लोड ही करना है ना, तो केवल यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका आप एग्जाम्पल देखें क्या है, तो कैसे करेंगे। इम्पोर्ट पिकल डेफ राज, फाइल को हमने ओपन कर लिया, डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड, और फाइल हैंडलर यहाँ पे फाइल पॉइंटर का नाम बस दे देना, फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। और फाइल क्लोज हो गया, जब सारा का सारा डेटा लोड हो गया, फाइल क्लोज कर दिया, डेटा लोड हो चुका, तो फिर उसको प्रिंट करा सकते हो, तो प्रिंट डेटा कर दो, और बस राज फंक्शन को हमने दोबारा से कॉल कर दिया, तो ये काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो अनपिकलिंग का काम करते हैं, तो आइए हम लोग जो है अनपिकलिंग का काम भी करके देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सो राइटिंग एंड रीडिंग रिकॉर्ड्स इन बाइनरी फाइल, तो ये सब डायरेक्टली, अच्छा टॉपिक बस मैंने लिख करके रखा, डायरेक्ट आपको समझाएंगे, है ना, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें आते हैं, सबसे पहले ये आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहीं पे एक और फंक्शन बना लेते हैं फिर से, डेफ फंक्शन का नेम हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये रीडिंग के लिए कर रहे हैं, तो इस बार फंक्शन का नेम मान लो मैं चेंज कर देता हूँ, डेफ नीरज मैंने कर दिया, चेंज तो कर ही सकते हैं, है ना, डेफ नीरज। और यहाँ पे f इज इक्वल टू हम लोग करते हैं क्या, ओपन फाइल का नाम क्या है भाई, abc.sumit। यहाँ पे एक्सेस क्या होगा, एक्सेस मोड क्या होगा, पुराने को कमेंट नहीं करेंगे, डोंट वरी, होने अच्छा कुमार पुराने को कमेंट कर दे, ठीक बोल रहा है ये लड़का, यस
WR बोल रहे हो कुछ, सुमित वर्मा का तो सही है, आदर्श का, आदर्श WR होगा भाई क्या? श्वेता, व्हाट विल बी द एक्सेस मोड? नीरज WB, कबीर, श्वेता, व्हाट विल बी द एक्सेस मोड? एक्सेस मोड क्या होगा? रीडिंग पर्पज के लिए ओपन कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग RB लिखेंगे। आप लोग अच्छे से देखते नहीं हो हमारे स्लाइड को, कम से कम यहां से भी आप चीटिंग कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे क्या मैंने एक्सेस मोड नहीं मेंशन किया? देखो RB, अब भैया जैसे राइटिंग के लिए बताएं, WB, राइट इन बाइनरी, तो रीड इन बाइनरी, रीड इन बाइनरी, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे RB होगा, ठीक है? फाइल ओपन हो चुका है सर, फाइल ओपन हो चुका है, आप बताओ हम लोग क्या करेंगे? फाइल ओपन हो चुका है, आप क्या करना चाहोगे आप? ठीक है, फाइल ओपन हो चुका है, क्या करना चाहेंगे हम लोग, बोलिए। अब हम लोग जो है ऑफकोर्स PICKLE, पिकल डॉट लोड करेंगे, पिकल डॉट लोड, स्पेलिंग सही है, एफ को हमने लोड कर दिया, पिकल डॉट लोड हो गया। उसके बाद पिकल डॉट लोड, अब हम लोग ये इसके बाद क्या करेंगे? पिकल डॉट लोड के बाद हम लोग यहाँ पे ही प्रिंट करा दे क्या? प्रिंट करा देते हैं यहीं पे, लेकिन ये जो पिकल डॉट लोड कर रहे हो, इसको आप जो भी चीज लोड होगा किस वेरिएबल में लोड होगा? पिकल डॉट लोड इन विच वेरिएबल? एवरीबडी जस्ट अ सेकंड, सब सही है। कौन सा वेरिएबल ले ले? वेरिएबल का नाम एक्स इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ। अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं क्या, प्रिंट 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 एक्स। चलो यहां पे हम लोग को क्लोज करेंगे, एफ डॉट CLOSE, एफ डॉट क्लोज, ठीक है, दैट्स इट। अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एंड विल कॉल टू नीरज। टाइम हो रहा है, मीटिंग एंड होगा, दोबारा ज्वाइन करोगे, कॉल टू नीरज। चलो टाइम होने लगता है तो थोड़ा सा मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हो सुमित, कबीर, संजना, रिया, श्वेता, ये सारे चीजों को मैंने रीड कर लिया, बहुत अच्छे से रीड कर लिया, ठीक है? आप देखो कोड को मैंने बहुत, ऐसा करते हैं वीडियो अपना ऑफ ही रखते हैं, ठीक है? क्लोजर से पता चल रहा है कि बहुत खराब दिख रहा है मेरा थोबड़ा, तो वीडियो ऑफ कर लेते हैं। अब आप देखोगे ध्यान से कि सबसे पहले मैं ये कोड आपको दिखाऊं, और इस कोड को एकदम बहुत अच्छे से ध्यान से समझो बेटा। देखो इसको हटा देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा कमेंट को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, पहले इस कोड को समझ लीजिए, बहुत बेसिक से लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, शायद आप बोर फील कर सकते हो, लेकिन सबको साथ में लेकर के चलना है, तभी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, है ना? तो यहाँ पे जो देखो काम किया गया है ना, ये जो मेरा राज फंक्शन है उसमें मैं राइटिंग का काम कर रहा हूँ, मैंने फाइल में राइट का काम किया उसके थ्रू, और इसके थ्रू बस रीडिंग का काम चल रहा है, ठीक है? ये नीरज जो फंक्शन है, ये इसमें मैंने कैसा, मैं कैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ इस फंक्शन के थ्रू? रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, है ना, इन बाइनरी फाइल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ बाइनरी फाइल से डेटा को, ठीक है? तो ये वाला जो चीज है, ये है हमारा पिकलिंग। आप देखो लिस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज द पिकलिंग, दिस इंटायर प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग, एंड दिस इज द अनपिकलिंग। एवरीबडी, बाइट स्ट्रीम को फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तब तो हम इसको रीड कर पा रहे हैं। देखो रीड कर रहे हैं और अपने पाइथन ऑब्जेक्ट में रीड कर पा रहे हैं, सुमित, कबीर, संजना, रिया एंड स्मिता। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने फाइल को मैं दिखाना चाहूंगा, जो फाइल हम लोग क्रिएट किए थे वो फाइल दिखता भी है या नहीं, और अगर दिखता है तो कैसा दिखता। तो देखो ये 12 नाम के फोल्डर मैंने मैंने फाइल सेव करके रखा था, यहीं पे हम लोग प्रोग्राम सेव किए थे, बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल भी यहीं क्रिएट होगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने उसको ABC और डॉट सुमित करके एक्सटेंशन दिया था, यही है ABC डॉट सुमित, आप अच्छे से देखो, ठीक है ना? दिख रहा है क्या, ABC डॉट सुमित, यही है। अब अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इसको मैं, जैसा कि मैंने बताया कि बाइनरी फाइल को अगर आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो आप उसमें क्या लिखा हुआ कंप्लीटली अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना? कंप्लीटली अच्छे से उसको नहीं समझ पाओगे, है ना? तो
तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं किस चीज में, नोटपैड में मैं ओपन कर लेता हूं, नोटपैड इज आवर टेक्स्ट एडिटर। अब देखो इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूं, आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ, कंप्लीटली अच्छे से नहीं समझ पाओगे। सुमित तो समझ में आ जा रहा, कबीर नेम समझ में आ रहा, बाकी चीजें देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बाइनरी फाइल है, अब इसको हमने रीड कर लिया है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया बाइनरी कोड में, है ना, तो बाइनरी कोड में बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये टेक्स्ट एडिटर है, अपने अपने हिसाब से ये क्या करता है ना, कोशिश करता है किसी तरीके से उसको रीड करने का, और जितना पॉसिबल हो सके चाहता है कि हम लोग समझ सके, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता, ये कंप्लीटली आपको अच्छे से नहीं उसको कन्वर्ट कर पाता, तो ये दिखता नहीं है। नहीं, बाइट कोड को लर्न नहीं करना होता, हम लोग नहीं लर्न करते बाइट कोड को। ठीक है ना, तो ये हमारा देख लिया आपने, हमारा क्या था, फाइल था। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे एक इमेज है, अगर मैं इस इमेज को नोटपैड में ओपन करूं तो देखो आपको कैसा दिखेगा, ये इमेज ही है, इसका इमेज है कि नहीं कैसे पता करेंगे हम लोग, इमेज है कि वीडियो है क्या है, थंबनेल से पता चल जाएगा, आइकन से जो कि पता चल रहा है, नहीं तो प्रॉपर्टीज में जाइए, देखो डॉट पीएनजी, तो ये क्या है, इमेज है ना। अच्छा, करते हैं ऐप डॉट क्लोज के बाद प्रिंट करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कन्वर्ट हो जाने के बाद उसके बाद भी प्रिंट कर सकते हो गुंजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप देखो मैं इसे ओपन करके दिखाऊंगा इस इमेज को कोई भी टेक्स्ट एडिटर में, तो आपको देखो कैसा दिखेगा। सो ये भी बाइनरी फाइल है हमारा, कुछ दिख भी रहा है क्या, आएगा आएगा, अभी नॉट रेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ आ रहा, तो ये आएगा, डोंट वरी आएगा। ठीक है, ये देखो अब आप इसको समझ नहीं सकते, यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरीबॉडी, ओके ना, यू कांट अंडरस्टैंड। तो ये होता है बाइनरी का एग्जांपल। ठीक है, अब ओवरऑल मैं आपको समझा दूं एक बार ब्रीफ में कोड दिखा करके, और जैसा कि गुंजन बोल रहा सर इसको आप क्या करिए, यहाँ पे प्रिंट एक्स ना लिखे, आप प्रिंट एक्स क्लोज करने के बाद लिखे, यहाँ पे लिखे प्रिंट, ठीक है, और फिर रन करें। स्पील है, स्पील नहीं समझ पा रहे स्पील का मतलब सुमित, तो आप देखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जब आपने लोड कर दिया, नीरज आपको हम वो चीज सिखाएंगे, आप जो सोच रहे हो वो भी हम करके दिखाएंगे। ठीक है, ये कोड को कॉपी करके डॉट लोड यूज करके वापस फोटो मिल सकता, नहीं मिल सकता, वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मतलब कि इमेज को कैसे रीड कर सकते हो, इफ यू वांट टू रीड एनी इमेज बाय देयर पाइथन कोड आई विल शो यू दैट आल्सो, बट पहले हमारा टारगेट है कि सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है ना, तो अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि आप इमेज को कैसे रीड कर सकते हो, इमेज फाइल को, है ना, बाय देयर पाइथन प्रोग्राम हाउ यू कैन रीड द इमेज फाइल, बाय देयर पाइथन प्रोग्राम हाउ यू कैन प्ले द ऑडियो फाइल वीडियो फाइल एवरीथिंग आई विल शो यू। ठीक है, हाँ रीडेबल फॉर्म में ही दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल वो रीडेबल फॉर्म में। तो देखिए एक बार समझ लो, सिंटैक्स अच्छे से याद कर लो, सभी कोई इंपोर्ट पिकल लिखना ना भूले, है ना, बाइनरी फाइल में काम कर रहे हो तो, क्योंकि इसी पिकल के अंदर दो मेथड होता है, एग्जाम में पूछेगा वो दो मेथड कौन सा होता है ना, पिकल मॉड्यूल के अंदर जिससे हम लोग रीडिंग और राइटिंग का काम करते, तो आप बताओगे डम से राइटिंग का करते हैं और लोड से रीडिंग का करते हैं। सिंटैक्स याद कर लो, फाइल ओपन करने का सिंटैक्स मालूम ही है सबको, कैसे फाइल ओपन करते हैं, तो फाइल हैंडलर का नाम होता है, ओपन मेथड लिखते हैं, फिर हमारा फाइल का नेम आता है, और कॉमा करके फिर हम लोग यहाँ पे मोड स्पेसिफाई करते हैं, एक्सेस मोड, कि आखिर किस पर्पज के लिए फाइल ओपन करना चाहते हो, तो हम लोग राइटिंग पर्पज के लिए करना चाहते हैं, और बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हो तो यहाँ डब्ल्यू बी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी राइट करना हो आप राइट कर सकते हो, तो पिकल डॉट डम्प, ये पूरा का पूरा लिस्ट को मैंने राइट कर दिया, डंप कर दिया अपने फाइल में, डंप कर दिया। ठीक है ना, अब फाइनली फाइल को क्लोज कर दिए और राज फंक्शन को कॉल कर दिए, जब तक राज फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से कॉल हो जा रहा फंक्शन को, राज फंक्शन को कॉल कर दे, क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर ये मेरा तीनों स्टेटमेंट है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैंने एक नीरज नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया, डेफ नीरज, और मैंने फाइल को उसी फाइल को ओपन किया, इसलिए उसी का एक्सटेंशन दिए हैं और उसी फाइल का नेम भी है, लेकिन इस बार जो एक्सेस मोड है आरबी मोड है, क्योंकि मैं रीडिंग पर्पज के लिए मैं चाहता हूं अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू उस चीज को रीड करूं,
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आरबी मोड लिखा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज आप लोड कर रहे हो वो किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहोगे, तो आप एक्स इज इक्वल टू पिकल डॉट डॉट लोड एफ जरूर करते, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मान लो मैं इसे हटा दूं, यहाँ पे इस चीज को मैं हटाना चाहता हूं, सर क्या हम लोग लोड फाइल को डंप से रिसाइकल कर सकते हैं? लोड फाइल को डंप से रिसाइकल, अच्छा ये बोलना जो चाह रहे हो आप सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोड फाइल को डंप से रिसाइकल कर सकते हो, मतलब वापस लाना चाहते हो, वही तो कर ही रहे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। देखो ये सब लाइन हम हटा रहे हैं भाई, ठीक है, आप देखिएगा ये सब लाइन मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे एक्स में डेटा मेरा आकर के स्टोर हो रहा है ना, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या प्रिंट, किसी वेरिएबल में स्टोर ना करा करके डायरेक्टली मॉनिटर स्क्रीन पे दिखा सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स वी कैन शो दैट आल्सो, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो पिकल डॉट लोड ऐप, जो भी चीज लोड हो रहा है डायरेक्ट उसको प्रिंट करा दे रहे, प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिए, है ना। लेकिन ये बेटर होता है कि आप आउटपुट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो, ताकि इसको आप कुछ भी इसका यूज कर सकते हो। अगर डिस्प्ले कराने का काम है तो करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैंने एक्स के अंदर लोड करा लिया, जो भी चीज राइटिंग का काम किए थे, जो भी चीज लिखे थे एक्स के अंदर लोड करा लिए यहाँ पे, है ना। अब उसको प्रिंट करा दे रहे, फिर फाइल को क्लोज कर दिए, नीरज फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सिंपली इस प्रकार से हम लोग जो है डेटा हम लोग राइट कर सकते हैं। मान लो कि एक बार और हमको कोई लिस्ट या टप्पल हमको राइट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे पी आई सी के एल पिकल डॉट डी यू एम पी डंप अगर हम करें, और यहाँ पे मान लो छोटा सा एक बार ऐसे ही हम लोग 10, 20, 30 और 40 ऐसा करते हैं और कॉमा करके एफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये डेटा जो है उसमें जाके डंप होता भी है या नहीं। चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डंप हुआ है या नहीं हुआ है, है ना। अगर हुआ है तो अब भैया उसको रीड कैसे कर। तो आइए सबसे पहले चलेंगे हम लोग इस फोल्डर में, और इस फोल्डर में एबीसी क्या यही था, तो इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट नोटपैड बन ही गया है, ओपन करते हैं हम लोग। तो देखो तो क्या डंप हुआ है, 10, 20, 30 दिख भी रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो इसको अब कैसे हम लोग किया जाए? नो सर, यस नो, एकदम बिल्कुल भी नहीं, ये तो डंप का काम हो नहीं पाया, ठीक है। सो एवरीबॉडी व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन डंप दिस डेटा एज वेल। अब इसको भी हम चाहते हैं कि उसमें डंप करें तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? पिकल डॉट डंप, डंप तो हो ही जाना चाहिए था इतना में, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या डंप करने में? नहीं ना, कुछ रैंडम न्यू कैरेक्टर्स अपीयर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग की एक मिनट फिर से हम लोग रीड करते हैं, तो दिक्कत तो नहीं था भाई, एक बार फिर से लोड करा लेते हैं, एक बार फिर से लोड कराते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ तो हमने कर दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार अगर कौन सा वेरिएबल में लोड करा दे बोलो, सारा चीज तो भाई सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बस एक बार और लोड करा लेंगे हम, तो वाई वेरिएबल में लोड करा ले क्या, वाई वेरिएबल में लोड करा लेते हैं, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, पिकल डॉट लोड तो एफ ही होगा, लोड हो गया, लेकिन इसको तो प्रिंट भी कराना पड़ेगा। चलो परफेक्ट, अब यहां पे आके अगर हम प्रिंट वाई कर दें, देखते हैं वाई में क्या आता है नया डेटा हमारा। देखो 10, 20, 30, 40 आ गया, अगर उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर ऐड हुआ था, है ना, अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा उस फाइल को, क्या कुछ न्यू कैरेक्टर ऐड हुआ भी था या नहीं, ठीक है। अगर हुआ था तो इसका मतलब कि ये जाकर के वहां पर राइट हो चुका,
ऐसा करते हैं हम लोग, कुछ नेम को फिर से डम करके देख लेते हैं, सब पता चलेगा आप लोग को, है ना। वो नंबर डेटा लिखे तो नहीं पता चला, तो पिकल डॉट डम करके हम लोग ऐसा कर लेते हैं, एक नेम और फिर से ले लेते हैं, है ना। तो किसका नेम नहीं आया था भाई, तो आदर्श का नेम आया है, और किसका नेम नहीं आया, सत्यम का नेम नहीं आया, एक और नेम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, शीतल का नेम भी नहीं आया है, चलो। तो अब हम लोग करते हैं टपल ऐड करते हैं, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे एफ किए हम लोग, और इसको टपल बना देते हैं, आई एम गोइंग टू मेक दिस टपल। टपल तो बन गया भाई, इसको करेंगे क्या, जेड इज इक्वल टू पी आई सी के एल ई पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड एफ, और यहां पे प्रिंट करूंगा मैं जेड, प्रिंट जेड। नाउ लेट मी चेक एवरीबडी इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, क्या सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया से देखो, है ना। तो सारे का सारे रीड कर पा रहे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जस्ट वी वांट टू चेक यहां पे आया है कि नहीं डेटा राइट। ऑफकोर्स डेटा राइट होगा तभी तो दिख रहा है ना, देखो राइट हुआ ही है, यानी कि वो 10, 20, 30 भी राइट हुआ है, बट हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, देख दिख नहीं रहा हम लोग, अच्छे से विजिबल नहीं है, ठीक है। आदर्श ठीक बोल रहा, श्वेता के बाद कुछ नहीं था, लेकिन कुछ कुछ वहां पे कैरेक्टर्स आया है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये तो एक प्रॉब्लम है, ये ऐसा मैं क्यों दिखा रहा था इसको, दिस इज द प्रॉब्लम विथ अस एवरीबॉडी, ठीक है। अब बार बार क्या हम यही काम करते रहेंगे, यही काम हम लोग बच गया कि डम करो लोड करो, डम करो लोड करो, डम करो लोड करो, यही सब हम लोग करते रहेंगे, बोलो, है ना। तो ये तो सही नहीं है ना कि बार बार डम करो बार बार लोड करो, तो आखिर एक ही बार में हम चाहें कि बहुत सारा डेटा लिख सके, तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अब उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम लोग करेंगे, इसी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, कि एक ही साथ अगर हम लोग को बहुत सारा डेटा लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं मन मुताबिक, यूजर के मन मुताबिक कि भैया बोलो आखिर तुम राइट क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो एक बार मैं बढ़िया से थोड़ा सा टाइम देख ले, अच्छा 9 o'clock हो चुका है, तो कोई बात नहीं, बस छोटा सा प्रोग्राम दिखाएंगे, नीरज 5 मिनट वेट कर लेगा, है ना, और उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे 7:30 में स्टार्ट ले लें, और आप लोग को थोड़ा ज्यादा पढ़ा दो, ठीक है। तो मैंने एक न्यू फाइल ले लिया एवरीबॉडी, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ना लूप के अंदर ये काम कर सकते हो, है ना, इनफाइनाइट लूप चला दो, और वहां पे यूजर से इनपुट लो और बस डम कराते जाओ, इनपुट लो और डम कराते जाओ, है ना। तो आप ऐसे काम कर सकते हो, कैसे दिखाते हैं, इम्पोर्ट हमने कर लिया पिकल, जल्दी जल्दी बताएंगे, ध्यान से देखो, इम्पोर्ट पिकल, और यहाँ पे मैंने कर दिया डेफ, फंक्शन का नाम राइट रखते हैं, सो एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड डेफ राइट, क्योंकि हम लोग राइटिंग का काम करने जा रहे हैं बेटा। और एफ इज इक्वल टू करेंगे ओपन, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल का नाम क्या ले लें, आप लोग सजेस्ट करें फाइल का नाम क्या ले लें, तो फाइल का नेम कुछ ऐसा रखे जो समझ में आए, तो चलो फाइल का नेम हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम लोग प्रीति कर लेते हैं, ठीक है। तो साइबर पैरासाइट, चलो अब हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अब एक्सटेंशन कर देते हैं साइबर, एक्सटेंशन कर दिया मैंने साइबर, तो प्रीति डॉट साइबर कॉमा, ऑफकोर्स राइट इन बाइनरी मोड जाएगा, और ये हमारा फाइल हैंडलर है, सिंटैक्स रट लो, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये फाइल हैंडलर हो गया, ओपन कर रहे हैं फाइल को भैया, किस चीज के लिए, राइटिंग करने के लिए ओपन कर रहे हैं। अब आगे जो होगा वो क्या होगा सो देखो, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर ई सी इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, आर ई सी नाम के एक वेरिएबल ले लिया, और ये एम्प्टी लिस्ट है, मतलब अभी लिस्ट मेरा खाली है। यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए व्हाइल ट्रू लिखेंगे, कॉलम देंगे व्हाइल ट्रू, जब तक, है ना, मतलब लूप चलता रहेगा ये मान के चलो, है ना, जब तक आप ना चाहो कि टर्मिनेट हो, हम लोग कुछ कंडीशन दे देंगे भाई ऐसा होगा तो लूप से बाहर निकल सकते हो आप, ठीक है। तो व्हाइल ट्रू कर दिए, अब सिर्फ दो चीज यूजर से इनपुट लेंगे आप, पहला रोल लेंगे, बोलेंगे यूजर को कि भैया इनपुट कर, इंट इनपुट एंटर योर रोल नंबर, यूजर को मैंने बोला एंटर योर रोल नंबर, यूजर क्या करेगा अपना रोल नंबर एंटर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद बस नेम हम लोग लेंगे, यूजर को बोलेंगे भैया कि नेम भी इनपुट कर लो, इनपुट, और यहां लिखूंगा मैं
एंटर योर नेम सर, एंटर योर नेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंटर योर नेम। बस दो ही डेटा यूजर से हम इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल डेटा है, दिस इज द नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज द नॉर्मल वेरिएबल एवरीबडी। अब इसको क्या कर रहे हैं, एक्स नाम के वेरिएबल में एज ए लिस्ट स्टोर कर दे रहे। यहां पे मैंने लिख दिया रोल कॉमा, समझोगे थोड़ा लेवल बढ़ रहा, रोल कॉमा नेम, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो रोल मान लो वन एंटर किए, तो यहाँ पे वन कॉमा नेम एंटर किए, मान लो क्या आपने नेम एंटर किया, मान लो सुमित, तो वन कॉमा सुमित है ना। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये लिस्ट बन गया ना, तो एक्स में जाके ये डेटा स्टोर हो जाएगा एज अ लिस्ट स्टोर हो जाएगा। अगर ऐसे लिखे हैं, लिखते हैं हम लोग केवल रोल कॉमा नेम लिखते हैं ना ऐसे, तो किस क्या किस फॉर्मेट में जाके स्टोर होता बताओ, तब ये एक्स का टाइप क्या बनता, एक्स हमारा कौन सा पाइथन ऑब्जेक्ट बनता, तब टप्पल बनता, वेरी गुड वेरी गुड, तब टप्पल बनता। लेकिन ऐसे करने से क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा लिस्ट है ना। तो हमने लिस्ट बना दिया, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, वी कैन मॉडिफाई, इसलिए मैं लिस्ट बना रहा हूं इसको, और कोई वजह मेरा नहीं है वैसा करते। अब REC नाम का जो वेरिएबल लिए है उसमें क्या करेंगे, इसको अपेंड कर दें, REC डॉट अपेंड एक्स है ना। REC जो कि मेरा एक एम्प्टी लिस्ट है उसमें इसको अपेंड कर दिया। अपेंड मेथड पढ़ोगे क्लास 11 में है ना, अपेंड मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एलिमेंट टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से अगर कोई लिस्ट है तो उसमें आप एलिमेंट्स को ऐड करा सकते हो। तो एक ऑलरेडी लिस्ट है उसके अंदर एक और लिस्ट आ गया, पूरा का पूरा लिस्ट ही आके अपेंड हो गया बेटा, ठीक है ना, पूरा का पूरा लिस्ट आकर के अपेंड हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर्स को बोल रहा हूँ सी एच इज इक्वल टू इनपुट है ना, इनपुट, और मैं बोल रहा हूं कि डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट, डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स, डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, ऐसा कर दिए। अगर क्या बोलते हैं नीरज का लेट हो रहा, तो नीरज आप वीडियो देख लो, यस और नो, ऐसा वाई और नो भाई, एंटर कर लो जो एंटर करना, ऐसा कर दिया, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, यस और नो बताओ भैया, ठीक है, यस और नो बताइए, है ना। तो अब यूजर बोलेगा, तो यहां कंडीशन लगा दी, इफ सी एच इज इक्वल टू मेरा क्या, अगर यूजर बोलता नो, एन फॉर नो है ना, वेरी गुड कबीर, सॉरी आदर्श, इफ सी एच इज इक्वल टू अगर एन हो जाए मेरा, तो यूजर नो बोल दिया, एन फॉर नो, तो हम लोग प्रोग्राम से ब्रेक कर जाएंगे, है ना, क्योंकि वाइल ट्रू किए तो ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा लूप, बार बार यूजर को बोलेगा कि एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर नेम, तो हम यूजर से पूछ ले रहे, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो एन प्रेस कर दिया, एन मतलब नो है ना, इफ सी एच इज इक्वल टू नो, तो प्रोग्राम से हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन ब्रेक करने के बाद कुछ करना है, है ना, प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद आपको करना है, क्या करना है, टिकल डॉट, जितना भी चीज, जितना भी आप रिकॉर्ड एंटर किए हो, जितना भी रिकॉर्ड एंटर किए हो, मतलब आई मीन टू से जितना भी रोल नंबर, जितने भी बच्चों का रोल नंबर और नेम एंटर किए हो, वो सारे को क्या करना, डंप करना, ना कि लोड, पहले डंप करेंगे, डी यू एम पी, डंप करें, तो पिकल डॉट डंप, और सारा का सारा डेटा किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो रहा है, आरईसी में, तो पिकल डॉट डंप आरईसी कॉमा फाइल हैंडलर का नाम एफ, आरईसी कॉमा फाइल हैंडलर का नाम एफ, दैट्स इट है ना, बस इतना ही तो करना है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कर देंगे क्या, क्या फाइल को हम लोग क्लोज कर दें, ठीक है, चलो तो फाइल को क्लोज कर देते, एफ डॉट क्लोज कर देते फाइल को, और क्या कर ले हम लोग, और क्यों ना हम लोग यहाँ पे, एक सेकंड एवरीबॉडी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, तो चार्ज कितना दिख रहा है, अब सही है, या सो एवरीबॉडी, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी मैं रीडिंग का काम आपको नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द रीडिंग वर्क, जस्ट हम लोग डायरेक्टली इसको पहले सेव कर लेते हैं और देखेंगे फाइल में यार कि
ये क्या क्या चीज हम लोग राइट करने वाले हैं, कहाँ पे सेव करें, इसी में सेव करते हैं। चलो 12, इसका नंबरिंग कर दिया मैंने 20 और सेव करो। इफ एनी एरर सो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट। ओके नो प्रॉब्लम, नो एरर। एंटर योर रोल नंबर सर, बताइए क्या कौन सा रोल नंबर एंटर करें, आप बताइए अपने अनुसार बताइए कौन सा रोल नंबर एंटर किया जाए। बोले बच्चों 16 एंटर किया जाए, 3 एंटर किया जाए। चलो तो सबसे पहले 16 एंटर करेंगे सर, गुड। एंटर योर नेम, चलो रिया करेंगे सर। चलो और डिमांड आया था, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। एन को छोड़ करके कुछ भी यहां पे लिखोगे तो आपको दोबारा रिकॉर्ड एंटर करने के लिए पूछेगा। चलो एक बार रोल नंबर 3 भी हम लोग एंटर कर लेते हैं। ये किन के द्वारा भेजा गया था, आदर्श के द्वारा। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या एंटर करते हैं अभी, यस कर देते हैं, वाई। ठीक है, यस कर दिए, स्मॉल में भी कर सकते हो। तो एंटर योर रोल नंबर, तो मैंने 3 किया, नेम मैंने कर दिया आदर्श, आदर्श। अब देखो एन एंटर करेंगे तो क्या होगा, सो एन फॉर नो, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, नो सर। आप देखो प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे पाइथन सेल दिख रहा है, इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। 2 रिकॉर्ड एंटर किए, रिया आदर्श। चलते हम लोग अपना इस फोल्डर में, ये और आप फोल्डर अच्छे से देख लो, ये फोल्डर है। अच्छा सेव किस नाम से किए थे, प्रीति नाम से सेव किए थे, खोजो प्रीति, दिख रही है, देखो प्रीति डॉट साइबर एवरीबडी। देखो ये हमारा बन चुका है बाइनरी फाइल, प्रीति डॉट साइबर। इसमें देखते हैं कि रिया और कौन, आदर्श, दोनों इसमें डंप हुआ है कि नहीं, डंप हुआ है कि नहीं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसको ओपन करते हैं किससे, नोट पैड से ओपन करते हैं, टेक्स्ट एडिटर से। यस मोर एप्स, वेर इज नोट पैड, दिस इज द नोट पैड एवरीबॉडी, दिस इज द नोट पैड। तो आप देख सकते हो कि इसमें डंप हो चुका है, लेकिन प्रोग्राम में रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कैसे हम लोग डंप किए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ डंप करने में। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लोग चाहते हैं लोड करना, तो बस लोड भी कर सकते हैं। लोड करने का तरीका बहुत ही आसान है ना, उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन अब वो जो लोड का काम है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। एक बार इसको ओपन कर देते हैं, आप लोग बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोड का कोशिश करो कि खुद से काम करो, आपको यहाँ पे डेफ रीड नाम का एक फंक्शन बनाना है रीडिंग के लिए, और आपको खुद से क्या कराना है, लोड कराना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप खुद से कर भी पाते हो या नहीं।